आर्मेनिया और अजरबैजान के 10वें दिन भी भीषण जंग जारी है। दोनों के बीच में युद्ध में कौन किस पर भारी है, किसकी एंट्री से युद्ध का मैदान बदल गया है, जंग से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 महायुद्ध के 10 दिन में। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर 10वें दिन भी जबरदस्त धावा बोला। आर्मेनिया ने इस घातक अटैक से अजरबैजान के टैंक को पल भर में धुआं धुआं कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे अजरबैजान का टैंक आर्मेनिया के हमले में खिलौने की तरह उड़ गया। 10 दिन के इस युद्ध में भीषण तबाही हुई है। इस जंग में अब तक अजरबैजान की सेना के करीब 4500 जवानों की मौत हुई है। आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी करीब 2000 है। तो अजरबैजान के 204 ड्रोन और 26 हेलीकॉप्टर भी इस युद्ध में अब तक बर्बाद हुए हैं। आर्मेनिया ने भी अजरबैजान की सेना ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक आर्मेनिया के करीब 5300 सैनिकों की मौत इस युद्ध में हुई है। आर्मेनिया के 407 टैंक और 398 आर्टिलरी अब तक बर्बाद हो चुकी हैं। तो वहीं 70 एयर डिफेंस सिस्टम भी तहस नहस हुए हैं। अजरबैजान ने आर्मेनियाई सेना के जब्त सैन्य सामान और गोला बारूद की तस्वीरें जारी की हैं। अजरबैजानी रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनियाई सेना के जब्त सैन्य सामानों को नष्ट किए जाने की तस्वीरें जारी की हैं। जबराइल इलाके में आर्मेनियाई सैनिकों से सैन्य सामान लूटा गया था। अजरबैजान आर्मेनिया जंग का नया वीडियो सामने आया है। आर्मेनिया के स्पेटन कोर्ट में अजरबैजान ने भीषण बमबारी की है। तस्वीरों से साफ है कि अजरबैजान रिहायशी इलाके को निशाना बना रहा है। अजरबैजान की सेना ने कई रिहायशी घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। आर्मेनियाई सेना ने अर्थसक में अजरबैजानी सेना के यूनिट्स और तोपखानों को तबाह कर दिया है, जिसके बाद यूनिट में मौजूद 200 अजरबैजानी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। अजरबैजान ने कल अर्थसक में रॉकेट से हमला किया था, जिसका आज आर्मेनियाई सेना ने करारा जवाब दिया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के 3 और गांवों पर कब्जे का दावा किया है। अजरबैजान का कहना है कि उसकी सेना आगे बढ़ रही है और आर्मेनिया से कई पोस्ट खाली कराए गए हैं। तो अजरबैजान ने नारगोनो काराबाख में जबरदस्त स्ट्राइक का दावा किया और कहा कि आर्मेनियाई सेना को पीछे ढकेल दिया गया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे भीषण युद्ध में अब ईरान भी कूद गया है। ईरान ने आर्मेनिया की मदद का ऐलान करते हुए अजरबैजान के खिलाफ 200 हैवी आर्मर टैंक युद्ध में उतार दिए हैं। ईरान के इस फैसले से अन्य खाड़ी देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। अजरबैजान के गेंजा में हुए मिसाइल हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आर्मेनिया ने रूस के इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से गेंजा पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे और शहर की कई इमारतें खंडहर बन गई थी। ये मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।